इस क्वेश्चन में ये मेंशनड है कि आपके पास ये एक इंडक्टर है, एयर कोर कॉइल है। एयर कोर कॉइल का मतलब एक कॉइल इंडक्टर है जो अंदर से खाली है, एयर है हवा में, हवा बीच में, सिंपल इंडक्टर है। वो कह रहा है कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स उसमें घटा दूं तो एल का क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन क्या होगी। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला ये होता है, हमने किया था, अगर एन डिक्रीज करेंगे तो कैपिटल एल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये पार्ट नंबर वन है। पॉइंट नंबर टू है, अगर मैं आयरन रॉड को इसमें इंट्रोड्यूस कर दूं, लोहे की रॉड इंट्रोड्यूस कर दूं, लोहे की जब रॉड इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये एयर एयर का कोर नहीं रहेगा, तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई नहीं रहेगा, कैपिटल एल का फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, आयरन की रॉड डालने से ये म्यू एम हो जाएगा और म्यू एम को लिखा जा सकता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो आपका रिजल्ट म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही किया था हमने, अगर कोई मीडियम डाल दें तो म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना होता है म्यू आर के साथ, तो ये म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल तो क्या है, कैपिटल एल है, तो आपका आंसर म्यू आर टाइम्स हो जाएगा आंसर। तो अगर आपने ए आयरन रॉड डाल दी तो आपकी सेल्फ इंडक्शन म्यू आर टाइम्स हो जाएगी। पॉइंट नंबर टू क्लियर है यहाँ तक, आयरन रॉड डालने से क्या होगा समझ में आ रहा है, ये रिजल्ट जो था म्यू नॉट में ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि जब की को प्रेस किया गया, द लैम्प ग्लोज डिमली, अगर मैंने की को प्रेस किया, वो कह रहा है ये मैंने की को दबा दिया, बंद कर दिया, सर्किट क्लोज कर दिया, तो ये डिम दिखेगा आपको, और जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये ब्राइट हो जाएगा। ये एक्सप्लेन करो क्यों हुआ ऐसा। देखो कायदे से जब मैंने इस क्वेश्चन को इवेल्युएट किया तो थोड़ा सा क्वेश्चन सही नहीं लगा मेरे को शुरू में। वो इसलिए सही नहीं लगा, जब मैं इसको इसमें अच्छा भला जब करंट जा रहा था और मैंने की को ओपन कर दिया, सर्किट ब्रेक कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, जब सर्किट ब्रेक करोगे इसका करंट घटेगा, इसका करंट घटेगा, ये नहीं चाहेगा करंट घटे घटे, तो ये अपने अंदर करंट पैदा कर लेगा और वो करंट ये बल्ब को दे देगा, यहाँ तो करंट जा नहीं पाएगा तो बल्ब ब्राइट हो जाएगा। तो बुझते हुए तो बल्ब ब्राइट होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि जब आप जैसे ही करंट ब्रेक कर दोगे पीछे से, इंडक्टर अपने अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा करके करंट को ब्राइट कर देगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप इसे ऑन करते हो करंट जाने की कोशिश करता है, होना तो ये चाहिए था कि करंट जो है अब वो जा रहा है, करंट जा रहा है तो उसके दो रास्ते हैं, एक बल्ब वाला रास्ता है और एक इंडक्टर वाला रास्ता है। कायदे से हमने लास्ट टाइम भी किया था, इंडक्टर वाला रास्ता अपोज करेगा आपके इंक्रीजिंग करंट को, अपोज करेगा तो ज्यादातर करंट बल्ब में जाएगा तो बल्ब ब्राइट होगा। उसने क्या कहा, प्रूफ करो बल्ब डिम होगा। ये अजीब बात है, सही है ना, तो बल्ब जल नहीं पाए, कायदे से ये बनता है जब आप ऑन करते हो तो इंडक्टर इसको अपोज करता हुआ क्या करेगा, इसमें करंट भेज देगा, उसमें जा नहीं पाएगा ना ठीक तरीके से, करंट वो झगड़ा करेगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, तो ऑब्वियसली करंट वो कर यहां से चला जाता हूं, तो बल्ब तो ऑन हो जाएगा। सही है, पॉइंट क्लियर है, पर वो ये कह रहा है कि नहीं वो तो डिम होगा जब ऑन करेंगे, अब एक्सप्लेन करो क्यों। अब देखो उसने कितनी चलाकी दिखाई आंसर लिखने वाले ने, वो कहता है जी ठीक है जी इंडक्टर ऐसा करता है वो मुझे भी पता है, पर प्रूव करना है ना, प्रूव करना है सिर्फ, इसलिए वो कहते हैं कि बल्ब की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत बड़ी होती है इन तारों से, अज्यूम कर लिया उसने, गिवन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ बल्ब की रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है इस वायर से, तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस बहुत कमजोर है, इसकी बहुत हाई है, तो ज्यादा करंट इसमें चला गया इसलिए बल्ब डिम हो गया होगा। अब ये चलाकी है कॉन्सेप्चुअल को प्रूव करना है अगर धक्के से, तो फिर ये लिखना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं, आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि जब आप उसको प्रेस करते हैं तो ये ऐसा तभी हो सकता है जब इसकी रेजिस्टेंस बल्ब की बहुत बड़ी है, ये करंट को जाने नहीं दे रहा और ज्यादातर करंट इंडक्टर में जाना पड़ रहा है, पर बात जमी नहीं है वो मेरे को भी पता है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है। अब अगर तो प्रूव करना है फिर तो ये लिख के प्रूव करके खत्म कर देंगे, पर वैसे बनता वही है कि जब आप इसको ऑन करते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में करंट इसमें जब जाता है ये नहीं जाने देता जल्दी जल्दी करंट, तो सारा करंट इसमें जाते हुए बल्ब पहले चलेगा ही चलेगा, इंडक्टर क्योंकि अपोज करेगा करेगा, बनता तो यही है। ठीक, मैं बता रहा हूँ कि जब पढ़ेंगे तो ऐसी कन्फ्यूजन आ सकती है जो मेरे को आई, सब में नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि दो आपके पास ये एक बल्ब है और एक इंडक्टर है, इसमें कोई सप्लाई नहीं है, ये एक एसी सोर्स है, यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, चेंजिंग करंट जा रहा है, जब चेंजिंग करंट जा रहा है वो कह रहा है जी प्रूफ बताओ कि जब ये पूरा सर्किट इसके पास बड़ा
पड़ा हुआ है, तो बल्ब भी जग कैसे गया? आप बोलेंगे क्योंकि जब इसमें करंट जा रहा है, वो भी चेंजिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो इसका बी चेंज हो रहा है। जब बी चेंज हो रहा है तो ये इसके पड़ोस के क्वाइल का ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, वर्ड जरूर लिखना, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो ये ईएमएफ पैदा कर लेगा जिससे बल्ब जग जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन वर्ड जरूरी है, बात खत्म, क्लियर है यहाँ तक? फिर अगला पार्ट वो ये कह रहे हैं कि बल्ब डिमर हो जाता है अगर क्यू इज मूव टूवर्ड लेफ्ट, अगर पूरे अरेंजमेंट को लेफ्ट ले जाऊं बल्ब डिम 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 होता हुआ बुझ जाएगा। वो तो होएगा ही, क्योंकि ये कॉइल इसके साथ फ्लक्स लिंक प्रॉपर नहीं कर पाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से इस क्यू कॉइल को कम फ्लक्स मिलेगा, इसका फ्लक्स कम चेंज होगा, कम ईएमएफ पैदा होगी, तो बल्ब डिम होता जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अच्छी हो जाए नहीं, अगर फ्लक्स, देखो फैराडे ने कहा था फ्लक्स चेंज वर्ड बोलना है, कम ज्यादा नहीं करना, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, उसे फर्क नहीं पड़ रहा ना, हाई से लो, लो से हाई, फर्क नहीं पड़ रहा, ब्राइट ही होगा उसमें, वो चेंज करता जा रहा है फ्लक्स, उसका चेंज होता जा रहा है, ईएमएफ जनरेट होती जा रही है। ठीक, ये क्वेश्चन बोर्ड वालों का ऑल टाइम फेवरेट है, तुम 10 ईयर पेपर उठा लो दो बार तो आपको डायग्राम दिख ही जाएगा, पक्की बात है। तो इसके अंदर वो क्वेश्चन देगा कि आपके पास ये एक इंडक्टर है, आपने एक फ्री फॉल मैग्नेट को फ्रीली यहां से ड्रॉप कर दिया, अब मैग्नेट इसके अंदर जाएगा 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 और फिर बाहर आ जाएगा, वो कहेगा प्लॉट करो पोटेंशियल डिफरेंस कितना पैदा हुआ इसमें क्वाइल में, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे पैदा हुई टाइम के साथ, ये इसका ग्राफ प्लॉट करो, ऐसा क्यों आया। अगर तुम इसकी स्टेजेस को पढ़ो, ये स्टेजेस हैं, मैग्नेट पास आ रही है, मैग्नेट बहुत पास आ रही है, मैग्नेट एंटर कर गई, मैग्नेट बीच में फंस गई, मैग्नेट बाहर निकल रही है, फिर और बाहर निकल रही है, फिर बहुत बाहर निकल रही है, और फिर नीचे गिर गई, यहाँ तो कोई मैग्नेट नहीं गिरी, ये पता नहीं कैसे गिर गई। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो देख रहे हो स्टेजेस, मैग्नेट पहले बहुत दूर है, अभी मैग्नेट बहुत दूर है, फिर धीरे 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 स्लो मोशन में ऐसे होता जाएगा। जब मैग्नेट बहुत दूर है तो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? जीरो। बहुत दूर है ना, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो। मैग्नेट पास आ रही है, इस कॉइल में अपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, ईएमएफ बढ़ेगी, ईएमएफ बढ़ती 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 बढ़ गई, फिर मैग्नेट इसके अंदर एंटर करना शुरू कर देगी, तो जब मैग्नेट एंट्री शुरू कर गई तो ईएमएफ घटनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आधा पोर्शन ऑफ मैग्नेट तो घुस गया कॉइल के अंदर, तो देखो ईएमएफ घटती घटती, फिर मैग्नेट पूरी तरह कॉइल के अंदर फंस गई, ना आ रही है ना जा रही है, तो ईएमएफ बिल्कुल क्या हो गई? जीरो, जीरो से पास करेगा। अब मैग्नेट बाहर निकलना शुरू किया, बाहर निकलना शुरू किया, इसका फ्लक्स फिर से चेंज होना स्टार्ट किया, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ईएमएफ ने डायरेक्शन चेंज कर ली। फिर मैग्नेट पूरी तरह बाहर आ गई, पूरी तरह बाहर आई तो ईएमएफ मैक्सिमम हो गई, अब मैग्नेट दूर बहुत दूर जाती जा रही है, ईएमएफ घटती 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 जीरो। ये ग्राफ मार्क कर देना, और ये साइनोसाइडल बिल्कुल भी नहीं है, तीखा सा ग्राफ है, ऐसा ऐसा ग्राफ है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब मैग्नेट गिरेगी तो कैसा ग्राफ मार्क करना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये ईएमएफ की वैल्यू आपने प्लॉट करनी है। सही, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है और ये एक स्क्वायर है, 0.1 मीटर का स्क्वायर है ये, मैंने इस पूरे सिस्टम को वी नॉट वेलोसिटी से राइट मूव करवाया, तो क्वेश्चन है मेरे को इसमें निकालना है कि वी नॉट की वैल्यू क्या होगी अगर करंट 1 mA जनरेट हो गया। इसमें पूरे में करंट 1 mA है और जो स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस 1 ohm है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है 3x3, इसको हम हटा सकते हैं, बैलेंस हो गया ना, तो ये 3 और 3 किसमें हो गया, इन सीरीज 6, 3 और 3 सीरीज में 6, 6 और 6 पैरल में कितना, 3, फिर 3 + 1 = 4, तो पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 4 ohm है। सही है, 4 ohm है। अब टोटल करंट क्या होता है, मोशनल ईएमएफ बीएलवी डिवाइडेड बाय 4, एक टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की 4 है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बीएलवी बाय आर। तो यहां पे मेरे को वी नॉट निकालना है, मुझे करंट पता है, मुझे रेजिस्टेंस 4 ओम पता है, मुझे बी पता है, मुझे एल पता है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? ठीक है, मोशनल ईएमएफ के ऊपर है
और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।